सिनेमे में पैसे खर्च करना इज नॉट अ क्राइम बट दिस बिकम्स अ रेलेवेंट फैक्ट सो अ कॉन्डक्ट प्रेसिडेंट टू एन फैक्ट इन इशू एंड अ कॉन्डक्ट सब्सिक्वेंट टू द फैक्ट इन इशू बोथ आर रेलेवेंट फैक्ट और जब आप ट्रायल कंडक्ट करते हैं तो कोर्ट के सामने फैक्ट इन इशू एंड बोथ साइड्स ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स बिकम इम्पॉर्टेंट टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट समटाइम्स वी ऑल एनकाउंटर दिस दैट द जजेस स्टॉप अस कि नहीं ये कैसे रेलेवेंट है आप बताइए ये क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते मोस्ट ऑफ द लॉयर्स मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड कि जब आप किसी को क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं तो जजेस आपको रोक रहे हैं नहीं नहीं ये क्वेश्चन हम नहीं लेंगे कई बार आप उस क्वेश्चन को अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझते तो ड्रॉप कर देते हैं लेकिन कई बार आप जज को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं साहब ये रेलेवेंट है तो ऐसी स्थिति में जजेस पूछते हैं कि अगर ये क्वेश्चन रेलेवेंट है तो कैसे है आप एक्सप्लेन करिए तो ही मैं अलाउ करूंगा ऐसी सिचुएशन में मेरी आपको एक छोटी सी सलाह है रिक्वेस्ट द कोर्ट टू प्लीज एक्सक्यूज द विटनेस आउट ऑफ द बॉक्स क्योंकि अगर आप विटनेस के सामने ही एक्सप्लेनेशन देने लगेंगे तो ही विल बी एनलाइटेंड आपके क्वेश्चन की वैल्यू ही खत्म उसको तो आंसर सारा समझ में ही आ गया कि ये क्या निकलवाना चाह रहे हैं मुझसे सो रिक्वेस्ट द कोर्ट टू प्लीज एक्सक्यूज द विटनेस आउट ऑफ द कोर्ट सो दैट आई कैन कन्विंस यू एंड इफ यू गेट कन्विंस प्लीज ब्रिंग हिम बैक गेट द ओथ अगेन एंड देन आई विल कंटिन्यू एंड इफ यू स्टिल फील दैट आई एम नॉट रेलेवेंट देन ड्रॉप कर दूंगा दूसरी एक स्थिति ऐसी बनती है कि जब किसी पॉइंट पर आपका और जज का मतभेद हो रहा है वो आपके उस क्वेश्चन से अग्री नहीं कर रहा है वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं लूंगा और आप अपनी विजडम में इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उस स्थिति में क्या करें इफ द जज इज रिफ्यूजिंग राइट डाउन पेन डाउन योर क्वेश्चन देन एंड देयर एंड सबमिट द क्वेश्चन इन राइटिंग टू द कोर्ट And request the judge to please take this question on record and reject it on record. तो उससे फायदा ये होगा कि आगे चलकर अगर आपकी कुछ adverse situation बनती है जहां पर आप ये explain कर सकते हैं argument में कि देखिए साहब this is the reason I was insisting that this question must be taken because answer to this question lies over here. And because this was not allowed, hence this is a detrimental to my cause. तो ये दो चीज़ें आपको मैंने बताई पहली आप excuse करा सकते हैं witness को कि please इनको बाहर भेजिए मैं convince करने की कोशिश करता हूँ दूसरा अगर उसके बावजूद judge आपसे agree नहीं कर रहे हैं you can put that question in writing and put on record and request the judge that if you are still not convinced, you can reject it. But that rejection will be on record. ये तीन चीजें ट्रायल की बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट टू द फैक्ट इन इश्यू अभी तीन और सेट जो सेक्शन 3 में ही दिया है वो है प्रूव्ड डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड ये तीन टर्म्स भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एविडेंस को समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि जो एविडेंस अपने आप में प्रूव्ड नहीं होता देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एविडेंस एंड प्रूफ लोग बड़ा इंटरचेंज करके ये टर्म्स यूज करते हैं बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एविडेंस एंड प्रूफ एविडेंस का मतलब होता है एक तथ्य जो आप
कि केस को सपोर्ट करने के लिए आप कोर्ट के सामने लेकर आए हैं। उस तथ्य को प्रेजेंट करने का जो प्रोसीजर होता है उसे हम कहते हैं टेस्टिमनी। नाउ एविडेंस इज अ फैक्ट एंड टू ब्रिंग एविडेंस बिफोर द कोर्ट इज कॉल्ड टेस्टिमनी। एंड whether your testimony is accepted by the court or rejected by the court makes it whether your testimony is proved, disproved or not proved. So please understand, evidence is presented with testimony and your testimony accepted is proved, rejected is disproved or not proved. It's not ipso facto that every document or every statement which you are making as an evidence becomes proved. It's not proved. There is a long gap. Abhi dekhiye, proved, disproved or not proved ka confusion aaye din hum log court mein witness karte hain, dekhte hain, samajhte hain. Evidence do tarah ka hota hai, oral evidence or documentary evidence. Oral evidence where the witnesses make the statement to the court, and documentary evidence not only is the piece of paper but also the weapons but also the blood-stained clothes but also the recordings of the statements. All that is a documentary evidence. Although आपकी नज़रों में document मतलब piece of paper, क्योंकि Indian Evidence Act document को define नहीं करता, पर trial में अकेला piece of paper हमारा evidence नहीं होता, कई बार हथियार भी evidence होते हैं, कई बार खून आलूदा कपड़े भी evidence होते हैं, कई बार medical के कुछ swabs भी evidence होते हैं, और वो सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं। तो ओरल स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये दोनों जब आप प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, तो आप प्लीज इस बात को समझिए कि प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस हैज थ्री स्टेजेस। एक स्टेज होती है जब आप अपने पिटिशन या कंप्लेंट या प्लेंट के साथ डॉक्यूमेंट्स अनेक्स करके फाइल कर देते हैं, मतलब आपने अपने एविडेंसेस की लिस्ट बनाई, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं हम साथ में, और उसको अलोंग विद द प्लेंट अलोंग विद द पिटिशनर अटैच करके कोर्ट में फाइल करते हैं। अब यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ये आपने सिर्फ अपने एविडेंसेस को फाइल किया है। दूसरी स्टेज आती है जब आप ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ एफिडेविट इन चीफ या फिर विटनेस बॉक्स में बुलाकर एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, स्टेटमेंट के साथ आप डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। विटनेस बॉक्स में जो टेस्टिमनी के लिए जो आदमी खड़ा है वो स्टेटमेंट दे रहा है एग्जामिनेशन चीफ, और साथ में प्रोसिक्यूटर ही उससे पूछ रहा है कि आपके पास कुछ एविडेंस है, वो कहता है ये लीजिए प्रेजेंट करिए। ये सेकंड स्टेज है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पहला होता है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दूसरा होता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये इसको आप जब कोर्ट में अलॉन्ग विद एग्जामिनेशन इन चीफ जब कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कॉन्ट्रोडिक्ट या कोराबोरेट करने के लिए आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इज अलॉन्ग विद द प्लेंट एंड पिटिशन, वाइल योर टेस्टिमनी और डिपोजिशन विच यू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। लेकिन ये भी सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज होती है जब आप उन डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना शुरू करते हैं। अब आप देखिए,
एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हम सब लॉयर्स और कोर्ट्स में अक्सर पाया जाता है, और ये कंफ्यूजन राइट फ्रॉम द बेसिक कोर्ट्स अप टू सुप्रीम कोर्ट पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एग्जिबिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जहां पर डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो गया, हम समझते हैं हमारा डॉक्यूमेंट नैया पार हो गई, बट दैट इज द बिगेस्ट फैलेसी। एग्जिबिटिंग इज नॉट योर प्रूविंग ऑफ डॉक्यूमेंट, एग्जिबिटिंग इज सिंपली अ मिनिस्टीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, एग्जिबिटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज नॉट अ जुडिशियल एक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अक्सर आप ट्रायल के दौरान पाते होंगे कि साहब ये एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट है, बट एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट का जो फायदा है नॉर्मल डॉक्यूमेंट से, नॉन एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट से जो एक स्टेज ऊपर है, वो सिर्फ इतना है कि एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट कैन बी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ बाय द कोर्ट। द कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच इज एग्जिबिटेड, द कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच इज नॉट एग्जिबिटेड। तो अगर नॉन एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट है तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं दैट द कोर्ट कैन नॉट हैव अ लुक ऑन दैट डॉक्यूमेंट। कितना भी वाइटल डॉक्यूमेंट हो, कितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, यू कैन स्टैंड अप एंड ऑब्जेक्ट, सर यू कैन नॉट सी दिस डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज नॉन एग्जिबिटेड। एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट यू कैन इंसिस्ट दैट द कोर्ट हैज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। दो one more step is yet to go to prove that document, to prove the contents of those documents. And please remember, this is another very thin line. Sometimes a document is proved but the contents are not. ये बड़ा thin line है, इसमें भी अक्सर slip हो जाता है। लोग सोचते हैं document अगर prove हो गया है तो फिर content भी proved है, बट उसमें डिस्टिंक्शन है। देर इज सेवरल केसेस वेयर आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज आप 138 का एक ट्रायल चला रहे हैं और उस ट्रायल में ये चेक जेन्युइन है या फेक है, इस पर सिग्नेचर जेन्युइन है कि फेक है, और सपोज विटनेस बॉक्स में अक्यूज्ड एडमिट करता है कि नहीं साहब ये सिग्नेचर जेन्युइन है, ये मेरा ही चेक है और मेरा ही सिग्नेचर है, तो ये चेक प्रूव हो गया। लेकिन चेक के कंटेंट्स बहुत सारे हैं, उस पे डेट भी है, उसमें अमाउंट भी है, उसके पीछे छिपी हुई लायबिलिटी भी है कि वेदर दैट चेक हैज बीन हैंडेड ओवर towards a due and payable liability or not. Maybe that check has been given only as a security, or maybe a blank check has been handed over as a guarantee and the transaction never happened and therefore this check was actually supposed to be returned, but fraudulently the complainant has misused this check and filled that check and is trying to extract money from you.